किसानों के लिए हीरा का काम करेगा। अच्छा, बड़ाहरा विधानसभा में चर्चा और हो रही है कि एक और नेताजी नया में आ गए, सब तो आ ही रहे थे, एक से एक नेताजी लोगों को देखने को मिल रहा है, एक और नेताजी आए हैं और वो साड़ी बांट रहे हैं, उनको भी शायद चुनाव लड़ना है। देखिए इस तरह की, देखिए हम कोई नेताजी नहीं है, हम बड़ाहरा के नाती भगिना है। आज लोग जान ही रहे हैं एक से एक नेता, एक से एक अभिनेता, आप भी जान रहे हैं कभी अक्षरा सिंह, कभी पवन सिंह, कभी दाल गेहूं आटा सतुआ नमक तेल बच्चा के परोटी दूध कॉपी पेंसिल। मैंने बात, समय बदल गया, मुख्यमंत्री जी अध्ययन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से सड़क से बाढ़ का पूरा मुआयना किया है, जो भी जनता के हित में होगा वो फैसला नीतीश कुमार जल्दी करेंगे और पूरे भोजपुर नहीं पूरे बिहार और देश की जनता अखबार के माध्यम से। अभी हम बड़ाहरा विधानसभा के एकावना में है और एकावना में एक अच्छे समाज सेवी अरविंद सिंह और छोटू सिंह यहाँ आए हुए हैं। ऐसे तो यू कहें तो हर सोशल साइट पर यदि आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये हनुमान कहे जाते हैं और वाकई हनुमान का रोल भी निभाते हैं, जहाँ जाते हैं तहलका मचा कर रख देते हैं। और वैसा ही हुआ बड़ाहरा विधानसभा में, जब एक अलग एनर्जी क्रिएट हुई तो लोगों को लगा कि छोटू सिंह का आगमन हो गया है। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? सभी भोजपुर वासी और बिहार वासियों के दशहरा छठ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ इंद्र भगवान से और गंगा मैया से प्रार्थना हम लोग ने की है। जो ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये जो विकट संकट था बाढ़ के समय, जो लोग घर से नहीं निकलता था, माँ बहन माई बेटी परिवार सब लोग डरता था, हम लोग नाव लेके दियर में घूमे और जो लोग के जो भी हमने के सरकार बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भोजपुर के जिलाधिकारी एसडीओ सीओ डॉक्टर सभी पदाधिकारी प्रेस मीडिया, जब तक प्रेस मीडिया नहीं रहेगा समझ रहे हैं आप ही के बातों और आप ही के चैनल से हम लोग ने देखते हैं, हमारे मुख्यमंत्री देखते हैं और हम लोग ने 8-10 दिन से राहत कार्य किया और गंगा माई का पूजा ऐसा किया कि हम लोग की माई सबके माई जुतिया की और गंगा मैया एक बेर देख लीजिए पूरा भोजपुर के पानी खत्म हो गया। तो हम लोग आज का दिन शनिवार का दिन है, आज हम लोग एक मिनट का मौन भी किए। हम लोग के बहुत दुख की बात है कि मिथिलेश बाबू का 14 साल का बेटा आज हम लोग के बीच नहीं रहा, हम लोग दुख की घड़ी में इनके परिवार के से मिलने भी जा रहे हैं और माँ बहन को हम लोग ने साड़ी वितरण किया। सरकार की जो भी पॉलिसी थी, पशु का चारा हो, भोजन हो, पोलोथीन हो जानवर के तोपने के लिए, लोगों को पानी से बचने के लिए, सब मदद करते हुए आज शनि भगवान को प्रणाम करते हुए हम लोग देखिए पूरा आज जिस गांव में जिस भोजपुर में चेहरा पे किसी का मुस्कान नहीं था, आज हम लोग सबके चेहरा पे मुस्कान के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए थे। अच्छा, आपके साथ देखा जा रहा है कि तमाम शाहबाद से जितने भी अच्छे अच्छे चर्चित चेहरे हैं सब लोग नजर आ रहे हैं। देखिए नोखा से आए हुए हैं अमित सिंह और गुड्डू सिंह और भी तमाम लोग आपके साथ, और जाके आप लोग प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत शायद आपने बड़ाहरा विधानसभा के गांव से किया है कि साड़ी आप वितरण कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? 30,000 साड़ी हम लोग पूरे भोजपुर में बड़ाहरा विधानसभा में, क्योंकि इस बड़ाहरा विधानसभा में ही मैं पैदा लिया हूँ और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमको हनुमान का संज्ञा दिया है। हनुमान का मतलब है हमको शुरू से, हमको माँ बहन परिवार को साड़ी में हमको अच्छा लगता है, इसलिए कि महिलाओं लोग को माँ बहन को साड़ी अच्छा लगता है। अब पर्व का समय छठ माँ का दिन है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कफन में जेब नहीं है, उन लोग के लिए जो लोग के पास पैसा रहते हुए सिर्फ अपना अपना परिवार अपने बच्चा के लिए सोचता है। हम उस नेता के सिपाही हैं, देश में नरेंद्र मोदी जी, अब बिहार में नीतीश कुमार जी के परिवार में अगर दूसरा नाम बता दिए, साला का साली का भाई के भौजाई के गोतिया के भतीजा के, तो हम लोग राजनीति की बात कभी जीवन में नहीं करेंगे। तो उसी पार्टी के सिपाही है, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, सुशासन की राज, हर घर नल जल योजना, सड़क बिजली, उस नेता के सिपाही हमें जिसका नाम है छोटू सिंह। तो हम लोग आज सब टीम के साथ, हमारे साथ विक्की भाई है, गुड्डू जी है, देखिए छोटू जी जो आरा के बहुत नामी होम्योपैथिक डॉक्टर,
भाई हमारे अध्यक्ष यहाँ के दुर्गा पटेल जी, 70 साल के बुजुर्ग नागा बाबू, अमर सिंह, डब्लू सिंह, सब जो चेहरा देखिए, भाई धीरन जी है, मनोज बाबू है, जो भी बहुत लोग का नाम नहीं ले पा रहा है, सब तो हमारा खूने परिवार है, दलित महादलित स्वर्ण सब समाज के लोग आज जो बैठ के लिट्टी चोखा खाया, आज देखिए एक तरफ हम लोग भोजन कर रहे हैं और हम लोग के देह पे इंद्र भगवान जो अभी के समय में पानी किसानों के लिए हीरा का काम करेगा। अच्छा, बड़हरा विधानसभा में चर्चा और हो रही है कि एक और नेताजी नया में आ गए, सब तो आ ही रहे थे, एक से एक नेताजी लोगों को देखने को मिल रहा है, एक और नेताजी आए हैं और वो साड़ी बांट रहे हैं, उनको भी शायद चुनाव लड़ना है, इस तरह की क्या कहेंगे आप इसमें? हम कोई नेताजी नहीं है, हम बड़हरा के नाती भगिना है और लोग जान ही रहे हैं एक से एक नेता और एक से एक अभिनेता, आप भी जान रहे हैं कभी अक्षरा सिंह, कभी पवन सिंह, कभी खेसारी लाल यादव, तो हम ना नेता है और ना अभिनेता है, हम घर घर के भोजपुर और बड़हरा और बिहार के, आप देखे होंगे कोरोना समय में घर से सिर्फ 3 आदमी नजर आता था, कौन कौन? एक छोटू सिंह, एक वर्दी वाले सिपाही, एक नगर निगम में झाड़ू देने वाला और एक आप जैसा फोटोग्राफर और मीडिया के लोग, बाकी लोग जो डेली हरा हरा आलू और प्याज और कोबी खाते रहन, बैगन यही छत पे पहले धूप लगावत रहन, एकर बाद खात रहन, आई कोरोना में भोजपुर के भगिना देख ली वीडियो में 35 दिन जनता के बीच चावल दाल गेहूं आटा सतुआ नमक तेल बच्चा के परोटी दूध कॉपी पेंसिल मैंने बांटने का काम किया, तो उस कोरोना में क्या चुनाव था? देखिए नेता के काम है, अब तो जलनसीन आ गया, जलने का समय आ गया, कम से कम हमारा देख के जो घर में है वही निकल के कुछ बांटे ना भाई, और ना तो जे ज्यादा रुपया रखी नीतीश जी और मोदी के सरकार हो, ईडी और सीबीआई से ना बची। कुछ लोग का कहना है कि बाढ़ से जब पूरा बड़हरा परेशान था तो उस समय छोटू सिंह नहीं दिखे, अभी बाढ़ जब पानी घटने लगा तो साड़ी वितरण कर रहे हैं, उन लोगों को गंगा मैया और माँ काली बखोड़ा पुर वाली और आर्यन देवी जवाब दे देंगी, हमसे पहले कोई बाढ़ में निकला है क्या? अब बारे में हम निकले हैं, लोग से पूछिएगा, लोग नाव पे अधिकारी लेके घूमे होंगे, लेकिन मैं किसी का टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और ना हमको किसी को दिखाना है, लेकिन नेता है जरा सा हल्का फुल्का तो शौक होवे करता है कि लोग देखे, लेकिन दिल से हम काम कर रहे हैं, लोग से पूछिएगा, जहाँ कोई नहीं गया हम वहां जाके बैठे, भोजन चालू करवाए, मेडिकल चालू करवाए, पशु चारा कराए, पोलोथीन दिलाए, लेकिन जान ही रहे हैं पहले के अब के जमाना में चाचा के मत बताइए रे, आज बहन के तिलक जाए वाला बा काहे रे भाई, तो चचिए शादी काट दी जब परिवार में ही हल बा तो हमरा कोई का बोली, हमरा तो लोग बोलबे न करी। अच्छा, एक बात और बताइए, बड़ा गंभीर सवाल है, और चूंकि आप बार बार कह रहे हैं कि हम भगिना है, तो हमारे यहाँ की प्रथा है कि मामा या मामी भगिना से कुछ नहीं लेते हैं, फिर कितना कष्टदायक होगा आपके लिए लोगों को सहयोग करना? देखिए हम मामा मामी के नहीं दिए हैं, नाना नानी के, मैं उस परिवार को दिया हूँ जो हमारे गांव ननिहाल के दलित महादलित, जो लोग किसी के पति नहीं है, जो लोग पैसा नहीं है, उनको मन है छठ करने का, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े जात हो छोटे जात हो, सबको हम परिवार में किसी को नहीं दिए, आप देख लीजिए सामने कैमरा घुमा लीजिए, जानना चाहेंगे राजनीति महासमर में तमाम और भी बहुत सारे चेहरे छन के सामने आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा कंपटीशन दिख रहा है, इसमें आपकी पार्टी नीतीश कुमार जी को आप किस रूप में देखते हैं और आप लोग क्या करेंगे ऐसे में? नीतीश कुमार जी को हम नहीं, पूरे बिहार और देश के प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री जी का अमेरिका से लेके यूके से लेके फ्रांस से लेके जर्मनी से लेके दुबई से लेके हर जगह, आप भी आप जानते होंगे पहले के देश के प्रधानमंत्री के 2 सिपाही कंधा में हाथ लेके चलता था और तब डगडगाता था, आज देश का प्रधानमंत्री लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री है, जिसने आज अर्थव्यवस्था को 22वां नंबर से 5वां नंबर पे लाने का काम किया, उस देश के प्रधानमंत्री ने कहा देश का सबसे बड़ा गुरु साहिब सिख समाज का सबसे बड़ा मंदिर पटना साहिब सिटी में है, पाटलिपुत्रा की धरती पटना साहिब, और यहां देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि और देश के विश्व के जो लोग आए थे फ्रांस कनाडा अमेरिका लंदन फ्रांस, सिख समाज ने कहा
कि ऐसा व्यवस्था मैं आज तक दुनिया में नहीं देखा। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बना उसका नाम नीतीश कुमार जी है। जिस ट्रेन में हम लोग बैठते थे उत्तर प्रदेश से और झारखंड से ट्रेन बिहार में आता था, तो हमारे बाबूजी और माई और चाचा चाचिया पड़ोसिया ट्रेन में सबसे पहले। अच्छा, बड़हरा विधानसभा की यदि बड़हरा प्रखंड की बात कर लिया जाए या फिर शाहपुर प्रखंड की बात कर लिया जाए, इस तरह आरा में भी कुछ बाढ़ से काफी प्रभावित क्षेत्र हुआ है और इसका अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषणा नहीं हुआ, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाते हैं, तो आप इस गांव के भगना भी हैं, आपने इस पे क्या सोचा है और इस पे क्या बात करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे, अभी हम लोग घूम रहे हैं। पहले घोषणा होता था, अमल नहीं होता था। घोषणा हो जाता था कि 4 लाख रुपया देंगे डूबे वाला के, 20,000 रुपया देंगे, 3,000 रुपया देंगे जलाने के लिए, चप्पल खिया गया कोई के 4 लाख नहीं मिला। आज समय बदल गया, मुख्यमंत्री जी अध्ययन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से सड़क से बाढ़ का पूरा मुआयना किया है। जो भी जनता के हित में होगा वो फैसला नीतीश कुमार जल्दी करेंगे और पूरे भोजपुर नहीं, पूरे बिहार और देश की जनता अखबार के माध्यम से देख लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिलहाल इतना ही। छोटू सिंह जी थे और एक बहुत ही कदावर नेता जदयू के माने जाते हैं और एक बहुत ही अच्छे सामाजिक व्यक्ति भी है। आज सैकड़ों महिलाओं को इन्होंने एकावना में साड़ी वितरण किया, एक अलग अभियान, एक टारगेट है कि नहीं 30,000 मताओं को हमें साड़ी पहना देना है और एक अभियान के तहत ये पूरे प्रखंड का दौरा करना है। लगातार देखते रहिए इस तरह। मिथिलेश जी के यहाँ भी जा रहे हैं। हाँ, मिथिलेश सिंह जी के यहाँ जाएंगे, उनके बच्चे, हाँ वहाँ भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ ये आए हुए हैं। अब देखना है कि बड़हरा विधानसभा में इनके आने से कितनी खलबली मचती है, कितना पॉजिटिव एनर्जी यहाँ के लोगों को मिलता है और क्या क्या करते हैं। समय अनुसार सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234-235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।